वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। हाइपर वी को तकरीबन जानने के बाद एक इशू यह आ रहा है जनाबे आला प्रैक्टिकल में कि जो वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं, जो सर्वर्स, ये मशीनें हैं जो हमने वीएमवीआर के अंदर तैयार करी, इसमें हाइपर वी वर्जन इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसके लिए एक एरर जनरेट कर रहा है और उसका जो सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट्स को हमें यूट्यूब पर भी नहीं मिल पा रहा। तो इसी वीडियो को फिक्स करते हैं, इस एरर को फिक्स करते हैं। देखिए, सिंपल एक सर्वर चल रहा है हमारे पास जिसको मैंने फ्रेश मोड पे ओपन रखा है। इसकी आईपी वगैरह सब कॉन्फिगर्ड है, एक जायजा ले लेते हैं एक दफा। और सेटिंग्स पे आता है, डिटेल्स पे आया तो देखें 10.12 आईपी है, तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम रोल इंस्टॉल करने आते हैं और हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करते हैं तो एक एरर जनरेट कर रहा है। एड रोल्स एंड फीचर्स करते गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आए वापस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल्स के अंदर एक रोल है हमारे पास हाइपर वी, इसको चेक लगा के एड फीचर्स करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक एरर आ रहा है, हाइपर वी जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सकता, हाइपरवाइजर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो इसी एरर को फिक्स करते हैं गाइस। सबसे पहले तो इस मशीन को हमने यहाँ से शट डाउन कर देना है। और ये जो मशीन है वो है विंडोज सर्वर 2012 पार्ट 3, यानी तीसरी मशीन है। और ये कहाँ रखी है, हम अगर थोड़ी देर में माउस ठहराऊं यहाँ पर तो मुझे पता चल गया इसकी लोकेशन, ये एफ के अंदर रखी है मशीन। तो हम माई कंप्यूटर पर आते हैं, आने के बाद यहाँ से हम एफ ड्राइव पर आए और विंडोज सर्वर 2012 तीसरी मशीन ये रही। अच्छा, इसमें जो हमारे पास वर्चुअल मशीन वाली फाइल होती है जो कि एक्सटेंशन में .vmx होगी, वो ये वाली फाइल है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो वर्चुअल मशीन हमारी यहाँ से खुलेगी। ठीक है जी, यहाँ पर आता हूँ मैं, जो वर्चुअल मशीन 3 है, राइट क्लिक करके हम चाहें तो इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल रिमूव नहीं करा, यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। इस वाली फाइल को राइट क्लिक करके हमने क्या करना है, ओपन विथ करते हैं नोटपैड से। नोटपैड से इस फाइल को खोला और यहाँ पर बहुत सारी कोडिंग्स आ रही हैं, बस चंद कोडिंग्स का इजाफा करते हैं। यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर सबसे नीचे आया, इंटर करते हैं गाइस, हम यहाँ लिखते हैं हम हाइपर वाइजर, जिसका एरर हमें मिला था visor.cpu, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ऐसे लिखना है, cpuid.v0 और उसके बाद स्पेस करना है इज इक्वल, फिर स्पेस इनवर्स कॉमा के अंदर आपने लिख देना है पोल। ठीक है गाइस, उसके नीचे फिर दोबारा आपने इंटर करना है, लिखना है mce.enable स्पेस इज इक्वल स्पेस इनवर्स कॉमा में आपने लिख देना है ट्रू, इनवर्स कॉमा क्लोज करें, नीचे आते हैं, फिर लिखना है हमने vhu, यानी वर्चुअलाइजेशन इनेबल करनी है हमने। मैंने कहा ठीक है जी, इनेबल करें, स्पेस करा, इज इक्वल दबाते हैं और यहां से फिर हमने क्या लिखना है, true ट्रू लिखते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल एस करा, यानी जो कमांड्स हमने एक्टिवेट करवाई, यहां से आप देख सकते हैं कि ये हमने लिखा है। और यहां से हमने फाइल पर आते हैं, आने के बाद यहां से क्या किया, सेव पे क्लिक करते हैं, इसको क्लोज किया और यहां पर आते हैं हम, जो हमारे पास वर्चुअल मशीन थी, इसकी जो वर्चुअल मशीन सेटिंग्स है गाइस, इस पर क्लिक करने से यहां से हम देख सकते हैं कि प्रोसेसर आ रहा है, प्रोसेसर पर वर्चुअलाइज इंटेल VT, इस पर चेक लगाना है, और वर्चुअलाइज CPU परफॉर्मेंस, इन दोनों पर क्लिक करके हमने ओके करा और पावर ऑन करते हैं इस वर्चुअल मशीन को। और अब इस रोल को इंस्टॉल करके देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन परेशान हो रहे हैं उन्हें देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा हाइपर वर्जन, जो हाइपर वी है उसके इंस्टॉलेशन के दौरान। रोल्स को इंस्टॉल करवाते हैं हम अपने, जो हाइपर वी का रोल था उस पर चेक लगा के एड फीचर्स करा। और गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमें कोई एरर जनरेट नहीं किया गया, हम सिंपल नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद इस रोल को हम सिंपल इंस्टॉल करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ख्याल रहे तमाम चीज़ें दोबारा देख लेते हैं, जब हाइपर वी का रोल चेक लगवाया, नेक्स्ट करते हैं, फीचर्स आ गए, कोई यहाँ से आपने कोई फीचर्स ऐड नहीं करने, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ से जो इथरनेट 0 आ रहा है, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको टिक लगा लेना है ताकि जितने भी हमारे फिजिकली अडाप्टर हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर सकें हमारे हाइपर वी के अंदर। फिलहाल हमने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं और ये आ गई उसकी लोकेशन कि कहाँ पर हमने वो सेव करना है, प्रोग्राम डेटा, हाइपर वी वगैरह। और अगर मैं चाहूँ तो उसको चेंज भी कर सकते हैं हम। फिलहाल नेक्स्ट किया और अगर रिस्टार्ट रिक्वायर्ड हो तो ठीक है, यस कर लें, अदरवाइज ना हो, सिंपल हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया, ये इंस्टॉलेशन पर लग गया। तो गाइस, इस वीडियो में हमने जस्ट इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद मैं सर्वर को शट डाउन कर लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपर वी का रोल इंस्टॉल्ड होगा और उसके बाद उसको कॉन्फ़िगरेशन करके जानेंगे। इशू ये था कि वर्चुअल कंप्यूटर जो VMware वर्क स्टेशन हम इस पूरी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें यह एक एरर आया है जो कि तमाम स्टूडेंट्स फेस कर चुके हैं। तो उसके एक आसान सा सॉल्यूशन था, एक वीडियो की शक्ल में हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लें और आप तक वो तमाम लेक्चर्स हम ऑलरेडी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इसी एरर को इस लेक्चर के थ्रू ही कंप्लीट करें। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस सर्वर को मैं शट डाउन कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो से ही इसको टर्न ऑन करके कॉन्फिगर करते हैं।
फी अमान अल्लाह।